सरकार के नाम पर कलंक है, हम तो चिल्ला के कह रहे फांसी देना दे दो हमको। बिल्कुल हर हर मोदी मर जाए, मोदी और योगी सब। केंद्र से लेके और राज्य तक उनकी सरकार है, जो बोले उमर्ग है, तो इससे बड़े चुप रहो, उसको झेलो। अब आदमी को आदत पड़ रही है मजबूरी की। प्रभु ऐसी सरकार जीवन में नहीं आनी चाहिए जैसी सरकार आई है। टूटू इंसान को कैसे भी नहीं जीने दे रही ये सरकार। 432 रुपए का सिलेंडर जब कांग्रेस के राज में था, 432 में औरतों को महंगा लगता था, आज 1000 रुपए में महंगा नहीं लग रहा उनको। क्यों? उस टाइम थालियां पीटती निकल आती नहीं, उस टाइम महंगा लगता था, आज 1000 रुपए का सिलेंडर और किसी को महंगा नहीं लग रहा। अरे चूल्हे पर ऊपर गैस पर पानी डाल दो, पेट पर तवा रख ले, सो जाओ, खाओ कुछ ना गैस की। ये सरकार तो बहुत महंगी है और महंगाई बढ़ती जा रही है, हम लोग बताइए क्या करें। पुलिस वालों को इतनी छूट दे दी, उठा चूतर पे डंडे मारो, उठा चूतर पे डंडे मारो, अगर जेब में पैसा नहीं दे रहे तो डंडे मारो। हर वक्त इतना छूट दे दी कि कानून इतना अंधा हो गया है। कैसी सरकार, पब्लिक डर रही इसीलिए कि ज्यादा बोलेंगे ढूंढ ढाड़ के पता करके आए, चल जेल के रोटी खा चल के। तो वो इलेक्शन हो रहा वहाँ कोरोना है ही नहीं कोरोना, और जहाँ पर इलेक्शन नहीं हो रहा वहाँ मुंह में अगर मास्क नहीं लगाया तो तुमको भी पकड़ के 500 रुपए जुर्माना। थाली पीटने से क्या कोरोना भागता, घंटा बजाने से कोरोना भागता। लिमरा न्यूज, हम दिखाते हैं सच, देश प्रदेश की सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिमरा न्यूज। नमस्कार, मैं अंकित तिवारी, लिमरा न्यूज देख रहे हैं आप। हम इसमें मौजूद हैं लखनऊ के अमीनाबाद बाजार में। यहाँ पे आज जानेंगे कि जिस तरह से हर चीज में महंगाई लगातार बढ़ रही है, चाहे पेट्रोल की बात की जाए, चाहे खाने वाले तेल की बात की जाए, चाहे दाल की बात की जाए, चाहे सब्जी की बात की जाए, जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, इसको लेकर पब्लिक क्या कहती है? ये कह रहे हैं जब से ये सरकार आई है इस कदर महंगाई, कमर तोड़ महंगाई है, क्या बच्चों को खिलाए, क्या पहनाए है। सरकार तो राज कर रही, मर रहे गरीब आदमी, ना किसी के ठेला लगने दे रहे हो रोड पे, ना किसी की दुकान लगने दे रहे हो रोड पे, और जब धंधा ही बंद हो जाएगा तो इंसान कैसे बच्चों को जिलाएगा है। और बच्चों की फीस बाकी, और किसान वो मर रहा है हैं, और दो दो साल बच्चों की फीस वो नहीं बेचारे दे पा रहे, पेट जलाए कि फीस दें, और टीचर कहते हम स्कूल में कदम नहीं रखने देंगे। आप ये बताओ ऐसी सरकार क्या करेंगे लेके हैं, क्या करेंगे? कोई नई सरकार आए तो कम से कम कुछ तो पब्लिक को राहत मिले। इन्होंने किया ही क्या है पब्लिक के लिए? कुछ नहीं किया पब्लिक के लिए। पब्लिक बताइए, टमाटर 80 रुपए किलो, सरसों का तेल 200 रुपए किलो है, क्या इंसान खाएगा? और जब ये किसान नाज बोएगा नहीं तो हम तुम एक दूसरे का मांस नोच के खाएंगे, नाज नहीं खाएंगे। किसान ही नाज देता है, और जब किसान बैठा है धरना पे उसकी मांगे पूरी नहीं कर रहे हो तो क्या खाओगे, मिट्टी खाओगे? या चोरी डकैती चोरी चोरी डकैती इंसान कर रहा तो उसको पकड़ के जेल में डालोगे हैं? तो इंसान के पास जब पैसा नहीं है बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों को खाने का, तो तुम्हारी जेब काटेगा, उनकी काटेगा, सबकी जेब काटेगा, लड़ेंगे मरेंगे। और उसके बाद में क्या होएगा? उठाओ चलो इसके ऊपर सारी दफा लगा दो, चल के चलो बंद कर दो जेल में, सारे केस इसके ऊपर लगा। तो सरकार में बस यही काम रह गया और कोई काम नहीं है। इससे तो पब्लिक को जहर दे दे तो ज्यादा अच्छा है। तो 2022 में किसे ला रही हैं सत्ता में फिर? ये अभी कुछ नहीं कहते, जो आता पेट वही अपना पहले भरता है, उसके बाद में सरकार का पेट भरता। अब इनको बैठाल के पब्लिक थक गई है, अब कोई और आए उसको बैठाल के भी देख ले पब्लिक, समझे? मगर हम तो कहते हैं प्रभु ऐसी सरकार जीवन में नहीं आनी चाहिए जैसी सरकार आई है। लूटू अब ये बताइए, दिवाली आ रही, 5 लाख दीपक जलेंगे किस बेस पे? वो जलेंगे पानी से जलाएंगे उसको? पानी से जलाएंगे, हाँ बताइए आप बताइए, 5 लाख दीपक हिंदुस्तान में जलेंगे तो ये पानी जलाए जाएंगे, तेल जलाया है? परेशान योगी मोदी तेल के पीपा ही भेज दे तुम लोगों को, खूब जलाया, और ना तो कहीं कुआं खुदवा दे, निकालना दिया जलाना, निकालना दिया जलाना, समझे?
इंसान को कैसे भी नहीं जीने दे रही ये सरकार। अरे चूल्हे पर ऊपर गैस पर पानी डाल दो, पेट पर तवा रख ले, सो जाओ, खाओ कुछ ना गैस की। अब वो कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बचाए क्या बेटी पढ़ाए, क्या हो रहा बेटियों का हाल? तुम तो कान में तेल 100 ग्राम डाल के रे चुप्पे बैठे सो रहे हो, देश विदेश घूम रहे हो। उनकी सुरक्षा योगी आदित्यनाथ सरकार जब सत्ता में आई थी तो बेटियों की सुरक्षा को लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया, फिर वोमेन पावर लाइन का गठन किया गया 1090 का, मतलब लगातार योगी आदित्यनाथ जो महिला बेटा पावर लाइन दिख कहाँ रही भाई, सुनो कोई जगह जगह पिंक बूथ बनवाए गए हैं, वो केवल मालूम दरवाजे बंद रहते खुलते नहीं है, वो समझ लिया। क्या क्या बेटी बचाए, पहले आई मुख्यमंत्री ऐसा केस लगा दिया दहेज प्रथा का, कितने लड़के बिचारे जेल में हैं, कितने बच्चों का घर उजड़ गया, कितनी लड़कियों का मांग का सेंदूर उजड़ गया। क्या ये आके ये कानून लगाए जाते हैं, जब बहन बेटियों वाले हों तो उनको मालूम पड़े कि बहन बेटियों का दर्द होता क्या है। इन लोगों को बहन बेटियों का दर्द नहीं मालूम, औलाद है नहीं, औलाद है नहीं तो उनको औलादों का दर्द क्या दिखाई पड़े। कितने लड़के आई वो लड़कियां छिनर बना करती घूम रही, फंसा दिया लड़कों को, लड़कों के घर वाले, हम भी बहन बेटी वाले हैं, हम भी हैं, हैं फंसा दिया। अब पूरा घर बेचारा दौड़ा दौड़ा घूम रहा, कहीं चलो जेल में हथकड़ी डाली थे, और ने 5 लाख की शादी करी, कहीं 50 लाख दो, उल्टा केस बनवा दिया। ये कहानी है, कौन सा सरकार सही आ रहा, जो आ रहा नोच रहा और गरीबों के पेट पे लात मार रहा। इन गरीबों से पूछो, हम गरीबों से पूछो कि कैसे बच्चे जिला रहे हैं हम लोग। अब इनको ये सरकार दोबारा बनानी हो तो हम लोगों का सुधार, हम लोगों ने तो उद्योगपतियों का साथ दिया है, उनका साथ दिया है, गरीबों का साथ नहीं दिया है तुम लोगों ने। 5 महीने का समय, अगर प्राइवेट 4 बाग भेज दिया गया 99 साल के लिए, हमें उसी एयरपोर्ट भेज दिया गया, हम लोग की पुश्ते देख पाएंगे, हम लोग देख पाएंगे 99 साल तक हम लोग जिंदा रहेंगे, हम लोग के बच्चे भी नहीं देख पाएंगे यार 99 साल तक के लिए, ठीक है ना। कलंक है जब किसान सरकार के नाम पर कलंक है, हम तो चिल्ला के कह रहे फांसी देना दे दो हमको, बिल्कुल हर हर मोदी मर जाए मोदी और योगी सब, समझे। हम गरीबों से पूछो, ये इतने इतने बच्चे बिलख रहे रोड पे पेट की रोटी के लिए, माँ बाप आते हैं वो भी कहते हैं, बीवी कहती है आज कुछ लाए नहीं कमा के, क्या करें कहीं काम ही नहीं मिला, तो अब मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा, मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा, बीवी कहती इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है तुमको कहीं कमाई नहीं मिली, अब बताओ इनको क्या खिलाए बच्चों को, बीवी ये कहती। आदमी क्या करे, आदमी क्या करे, फिर जाएगा चोरी डकैती करे, तब उसके बाद योगी मोदी उठाए के जेल में डाल देंगे, समझे। ये हालात है सरकार के, ऐसी सरकार से तो हम कह रहे हैं कि पब्लिक खुद अपने आप अपनी सरकार बना ले। सच्ची तो कांग्रेस थी, मैं बोलता हूँ ये बच्चे नहीं, ये बच्चे पढ़ने वाले हैं कि काम करने वाले, आप देखिए सरकार, फिर कहते कांग्रेस के, सुन कांग्रेस के राज में 8,000 रुपए है 7th क्लास की फीस, 8,000 रुपए वो भी ऑनलाइन, ऑनलाइन पढ़ाई कर दिया, टीचर को सिर्फ पैसे चाहिए, प्रिंसिपल को पैसा चाहिए, माँ बाप के पास पैसे नहीं, कहाँ से लाएंगे वो लोग बताइए। उनके पेरेंट्स इतना परेशान है, बच्चों की फीस कैसे भरे, वो पढ़ाई कैसे करेंगे बताइए आप लोग। इस तरीके गलत चीज है जो ऐसा सरकार कांग्रेस की बहुत अच्छी थी, और जितनी ये हस्तियां हैं और जितने ये बिल्डिंग बिल्डिंग और ऑफिस बने सब सरकार का उसका कांग्रेस का बना हुआ है, इन्होंने बनाया का तोड़ रहे, नाम अपना चेंज कर दिया, नाम बदल दिया, शहरों का नाम चेंज करना और बस और कोई काम नहीं है, शहरों का नाम चेंज करो, बिल्डिंगों का नाम चेंज करो, ये है इस सरकार के पास में। इस बहुत 100 गुना अच्छी थी कांग्रेस, 100 गुना 2022 में फिर कांग्रेस ही आएगी क्या? अब ये तो हम नहीं कह सकते, ये तो पब्लिक का मूड है किसकी तरफ, आपका आउट तो आपका आउट, हम तो शुरू से कांग्रेस ही है, शुरू से। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपने इतने क्वेश्चन पूछे हम हमारे माता बहनों से, उनसे कि थोड़ा अपने गरीबों को थोड़ा ध्यान दे, कम से कम ये उनको दिखाओ भी तो, ऐसे पत्रकारी नहीं चलती है, ये सारे मैसेज उन तक नहीं जाएंगे। अरे आपके सारे जो जो आपने बोला है सारी चीजें जाएंगी, तब हम लोगों को तसल्ली होगी, पब्लिक को जो जो चीजें आपने बोली सारी चीजें।
हर महिला रो रही है अपने घरों में, हर महिलाएं रो रही है किस तरह के प्रति त्योहार बच्चों के साथ। अब आदमी से हर महिलाएं रो रही है, ऐसा नहीं है सिलेंडर नहीं। अब वो कह रहे बताओ 1000 रुपया का कहाँ से सिलेंडर लाए, हमारी जेब में तो 500 ही रुपए तो सिलेंडर वाला 100 रुपए लीटर ठीक है, उसमें से भी कटौती। हाँ उसमें भी पेट्रोल पंप वाले नहीं, सब्सिडी 200-225 रुपए आती थी, अब सब्सिडी 35 रुपए भी नहीं आ पा रही है, 35 भी नहीं आ रही। पेट्रोल 103 रुपए लीटर हो गया, 927 रुपए डीजल, 100 रुपए डीजल हो गया है, कहाँ से महंगाई। आदमी ये तो सही बात है, नौकरी निकाल दे रहे हैं, 8000 रुपए सैलरी दे रहे हैं, आदमी घर चला के किराया दे कि क्या करे। आज दिवाली के मारे और पेट्रोल बढ़ा दिया, तो नौकरी से निकाल दिया, बेरोजगार कर दिया, बेचारे आज भटकते फिर रहे हैं। क्या किया इन्होंने, महंगा हो गया 103 में आ गया, कोई नहीं। मैं तो आखिरकार चुप्पी का रीजन क्या है भाई, काहे चुप है, कोई मजबूरी है सबको, आगे से लेके केंद्र से लेके राज्य तक में सरकार उनकी चुप नहीं है, जनता ये बता रही है, इसको आपको क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपको काहे के लिए चुप है, क्या क्या वजह है। केंद्र से लेके और राज्य तक उनकी सरकार है, जो बोले वो मार खाए, तो इससे बड़े चुप रहो, उसको झेलो। अब आदमी को आदत पड़ रही है मजबूरी की, अब आदमी मरता नहीं तो करता क्या, तेरा है सिक्का तू उठा के डाल देगा जेल में, लगा देगा जेल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये सही है। 103 रुपए लीटर तेल कहाँ जा रहा है, ये तो बताएं उनको, यूनिट हो जाएगी, कोयला सब महंगा हो गया इतना, ये तो सही बात है। कांग्रेस के राज में मैं किसी की नेता की नहीं कर रहा हूँ, मैं 432 रुपए का सिलेंडर जब कांग्रेस के राज में था, 432 में औरतों को महंगा लगता था, आज 1000 रुपए में महंगा नहीं लग रहा उनको, क्यों, उस टाइम थालियां पीटती निकल आती नहीं, उस टाइम महंगा लगता था, आज 1000 रुपए का सिलेंडर हो किसी को महंगा नहीं लग रहा, क्यों मुंह बंद है, क्यों बोलो मुंह, क्या वजह है, क्यों नहीं बोलना, क्यों मजबूर है इंसान, जो बोल रहा वो अंदर करा जा रहा है। जो पब्लिक है वो जो 2022 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो उसको लेकर सोच रहे हैं कि महंगाई सस्ती होगी, उम्मीदें हो रही है कि जो सत्ता में है सस्ती होगी, लेकिन बीजेपी लगातार महंगाई बढ़ाती चली जा रही है, क्या कुछ नहीं है। कोरोना के समय जिस शहर में कोरोना हो रहा है, वो इलेक्शन हो रहा, वहाँ कोरोना है ही नहीं, है ही नहीं कोरोना, और जहाँ पर इलेक्शन नहीं हो रहा वहाँ मुंह में अगर मास्क नहीं लगाया तो तुमको भी पकड़ के 500 रुपए जुर्माना। थाली पीटने से क्या कोरोना भागता, घंटा बजाने से कोरोना भागता, कोरोना भागता है। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, ये बनाते पब्लिक को देखो। जब चुनाव हो रहा था तब कोरोना नहीं था, और जैसे निर्णय आ गया उसके बाद कोरोना फैल गया, कोरोना फैल गया, ये बनाते पब्लिक को बेकूफ नहीं, गरीबों को कोरोना हो रहा, तुम अयोगपतियों को क्यों नहीं हो रहा, तुम मंत्रियों को क्यों नहीं हो रहा, ये बताओ पहले। हो जाएंगे गाड़ियों में पैक होके बैठ गए मंच पे, अब पब्लिक आ रही है, अब रैली कर रहे हो तब आपको कोरोना नजर आ रहा है। अरे गंगा जी में लाशें मछली खा रहे, कुत्ता कौवा नोच रहे, तुम्हारी लोगों की आंख पे पट्टी बंधी थी, लकड़ी नहीं सुनो, लकड़ी नहीं मिली लाश जलाने को, लकड़ी नहीं मिली, ये तुम्हारे साइकिल के टायरों से लाश जलाई गई है, कैसा तुम सरकार हो, किसी के परिवार वाले मिल नहीं पाए हैं, अंतिम संस्कार नहीं कर पाए हैं, क्यों तुमको क्यों नहीं कोरोना हुआ। नहीं तो योगी आदित्यनाथ सरकार की वो विदेशों में भी तारीफ हो रही है कि हाँ बहुत बढ़िया कंट्रोल किए कोरोना में। सुनो विदेशों में तारीफ आके देखे तो पानी चले, कंट्रोल में है कि अनकंट्रोल है, विदेशों की तारीफ सुनो। मोदी जी जो है इराक से क्यों नहीं तेल ले रहे हैं, इराक से क्यों नहीं तेल ले रहे हैं, अमेरिका से क्यों सहारा ले रहे हैं, खाली अमेरिका ही खाली दे रहा जो कुछ दे रहा है, एक्साइज ड्यूटी कितनी है अमेरिका की मालूम है, अपनी जो है इराक की ठन्नी है जो पेट्रोल पे है, और अमेरिका की 33 रुपए दे रहे हैं, हम लोग टैक्स दे रहे हैं 33 रुपए टैक्स दे रहे हैं केंद्र सरकार को, उसके राज्य सरकार को टैक्स देते हैं, 40-40 साल से तेल ही पे है, जब तेल महंगा हर चीज महंगा भाई, पेट्रोल महंगी हर चीज महंगी हो जाएगी भाई, हर चीज महंगी, कड़वा तेल 250 रुपए लीटर हो रहा है। तो क्या वजह है कि इतनी ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का तो अलग लगता है, फिर उसके बाद में राज्य सरकार भी लगाती है, और जो लाने ले जाने का उसका भी लगता है, जिसकी वजह से पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, तो क्यों इतनी ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है। पेट्रोल महंगा या कुछ हो, हम ही लोग से निचोड़ रहे हैं, वो सिर्फ मर रहा है गरीब, गरीबी नहीं खत्म हो रही, गरीब मर रहा है, ये सरकार से बहुत महंगी है और महंगाई बढ़ती जा रही है, हम लोग बताइए क्या करें, बच्चों को कहाँ से दिया पुलिस वालों को, पुलिस वालों को इतनी छूट दे दी, उठाओ चूतर पे डंडे मारो, उठाओ चूतर पे डंडे मारो, अगर जेब में पैसा नहीं दे रहे तो डंडे मारो, हर वक्त इतना छूट दे दी,
कि कानून इतना अंधा हो गया है, ये अंधा कानून है, ये अंधा। कितने घर उजड़ गए दहेज प्रथा में, कितने घर, क्या सरकार को नहीं दिख रहा है? नहीं, योगी जी तो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब से आई है तब से उत्तर प्रदेश से गुंडे बाहर हो चुके हैं। कोई उत्तर प्रदेश गुंडे बाहर हो गया तो भाई लड़कियां बिचारी खींची जा रही, चीर हरण हो रहा लखीमपुर में, चीर हरण हो रहा है, कितनी लड़कियों का बेइज्जत कर दिया, अंतिम संस्कार के लिए उसके परिवार वालों को नहीं दिया है। रात में हिंदू धर्म में कहीं शमशान पे ले जाया जाता है, है? ये कैसी सरकार है, कैसी सरकार? पब्लिक डर रही इसीलिए कि ज्यादा बोलेंगे, ढूंढ ढाड़ के पता करके आए, चल जेल के रोटी खा, चल के चल वही पानी दाल खाओ, वही सूखी रोटी खाओ। सरकार इसलिए पब्लिक डर रही है, समझे? और कोई बात नहीं है, भगवान बचाए इसी सरकार से, इसी सरकार जीवन में ना आए। हम तो कह रहे हैं 80 रुपए किलो, हर चीज ऊपर जा रही है, कुछ नीचे उतर नहीं रहा, हर चीज ऊपर जा रही है। अभी देखो ना, तो बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, डॉक्टर दिनेश शर्मा हो गए, सतन देव सिंह हो गए, ये लोग तो यही बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि पेट्रोल में थोड़ा थोड़ा बढ़ा है और महंगाई नहीं बढ़ी है। तो भैया सुनो, उन्होंने सुनो, उनके उनका एक फोन सुनो, उनका एक फोन खटखटाया, घर में टमाटर का दुनिया की चीजें पहुंच गई, हम लोग रोज पेट भर के खा रहे हैं, समझ गए? कैसे खरीद रहे, कैसे खा रहे, किससे बात करेंगे? और जो आप कह रहे हो कि वो कह रहे हैं कि कहीं महंगाई नहीं है, उनको नहीं महंगाई नजर आएगी, क्यों नहीं आएगी भाई? उनके पास सब कुछ है, मर रहे तो गरीब, मर रहे भूखे, बस हिया पेट्रोल डला जाओ, एक लीटर गरीब आदमी कैसे डलवा रहा, एक लीटर कह रहा वो आधा लीटर नहीं पड़ रहा। जैसा कि आपने देखा कि जनता कितनी आक्रोशित है, हम जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि जनता कितनी आक्रोशित है, महंगाई को लेकर हो या हर चीज में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से जनता इतनी ज्यादा आक्रोशित हो गई है। चाहे कोरोना पीरियड का टाइम ले लिया जाए, चाहे इस समय के हालात के बारे में ले लिया जाए, जनता पूरी तरह से त्राहिमान हो गई है इस योगी सरकार से। तो आखिरकार अब देखना यह होगा कि 2022 में विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती है। कैमरा पर्सन वसीम अकरम के साथ मैं अंकित तिवारी, लखनऊ।